मैचिंग का मास्क पी लिया है वाइट, और आंखें भूरी हैं भूरी, काजल काला है काला, बिंदी भी लाल है। Hey guys, welcome back to my channel. Yes, I am all white today. मैं मान लेती हूँ कि आप लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. बहुत दिनों बाद मैंने कोहल अप्लाई किया है. बाकी कुछ ज्यादा नहीं किया है क्योंकि मास्क ही तो लगाना है और क्या दिख जाएगा इतने में. अब मेरा चेहरा थोड़ा सा क्लियर लग रहा है. देखिए मैंने फुलवारी वाला दुपट्टा पहना है. माँ मेरी बहुत खुश होगी मेरे आज का वीडियो देख के. हम लोग जा रहे हैं एक इवेंट पे. वो कौन सा इवेंट है आप जानते हैं कि थंबनेल में लिखा है. यस वी आर गोइंग टू द वोक्सवैगन टाइगून जो कि बनारस में लॉन्च हो रही है, जिसका लॉन्चिंग इवेंट है. तो उसमें हम लोगों को इनवाइट किया गया है, यानी कि मेयर और पति देव को, और उनके साथ मुफ्त में हम भी जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि वो तो होंगे ऑडियंस लेकिन मैं होंगी ब्लॉगर और आप लोग होंगे मेरे ऑडियंस. तो आप लोगों के लिए स्पेशली एक्सक्लूसिवली चारू ने बनाया है ये व्लॉग, और इसको ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं इस हफ्ते के सैटरडे को, जो कि एक हफ्ते पहले मैं शूट कर चुकी हूँ. एंड सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी है गाइज, अगर आप लोग वीडियो देखते हो ना तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर किया करो, क्योंकि यूट्यूब ये नोटिस करता है कि वीडियो देख तो रहे हैं व्यूअर पर पसंद कर रहे हैं कि नहीं, एक्टिव कितने हैं उस वीडियो में. अगर आप सब्सक्राइब करते हो बट बगल की वो घंटी, यस वो घंटी, बेल आइकॉन आप लोग नहीं प्रेस करते हो, वीडियोस जब भी आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा नहीं. पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ. चलो देखो, स्किप किए बिना देखना. हाँ प्लीज. मस्टर्ड येलो है एक्चुअली ये, बट इट्स गुड. ये वाला कलर इतना बुरा नहीं लग रहा है. ये अच्छा लग रहा है एक्चुअली, ये मस्टर्ड वाला एंकर है. And I invite Mr. Prakash Singh ji, दिवस पर ये स्मृति चिन्ह एक छोटी सी भेंट हम सबकी ओर से स्वीकार करें आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव लॉन्च्ड द वंडरफुल वर्जन थिंग यू ब्राइटन इट फर्दर. थैंक यू वेरी वेरी मच. जॉयफुल राइड. थैंक यू भाई. वाओ अच्छा लग रहा है देख के. ये दबाना नहीं पड़ता क्लच उच ना दबाना पड़ता है. कहाँ से ये है? ये ब्रेक में सेफ है. आपको हाईवे पे भी माइलेज मिल रही है और सिटी में भी माइलेज मिल रही है, प्लस इसकी जो पूरी बॉडी है वो गैल्वेनाइज स्टील से बनी हुई है, जो आपको 100% सेफ्टी कंपनी प्रोवाइड कराती है. वाला तरी है अभी इस... हाँ वही ठीक है. सीट कंफर्ट ठीक है. हाँ हाँ सीट पूरा फिट आ रही है. ये मैंने नोटिस नहीं किया. तो होता ही है. ये तो हमारे में है, बट ये कुछ अलग क्यों लग रहा है मुझे. स्लाइडर है ये. स्लाइडर है ये. इसके अंदर रखने की जगह भी है. इसके सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं फीचर्स. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. अच्छा लग रहा है ना. हाँ बहुत ज्यादा. चलो ले लेना. अरे बैक सीट कंफर्ट कंफर्टेबल है और थ्री हेडरेस्ट है. ये है, ये हैंडल का है. सही हम तो कभी पीछे बैठे हैं. हेडरेस्ट विद कप होल्डर्स. हम तो इसमें कप होल्डर भी बना हुआ है. दस कप होल्डर अपनी गाड़ी भी है. 10 साल से कभी हम पीछे बैठे ही नहीं. क्या आप हमेशा ड्राइव करते हैं? हाँ हमेशा ड्राइव करते हैं. गाड़ी स्पेशली आपके लिए है भी.
और ये बगल में बैठती है तो ड्राइवर, ये इन्होंने यही कहा था कि वो गाड़ी है कि वो लग्जरी गाड़ी है जो हमारे पास है, वो ड्राइवर चलाए पीछे आराम से बैठे, बट ये है कि ये बेसिकली कि मैं ड्राइव कर सकूं। पावर का तो इंजन का कोई वो नहीं है, उसके लिए कोई मतलब बात ही नहीं करनी है। इसके बाहर जो है वो सब पत्थर का है, लेकिन अंदर कुछ रहेगा ना, क्योंकि हम पोलो रखे हो पत्थर की तरफ, उससे कोई घिसता है तो उसका नुकसान होता है, मेरा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसकी पूरी पूरी 360 डिग्री बॉडी साइड क्लैडिंग दिया हुआ है कि वो बॉडी साइड पे ही आपके स्क्रैच आएंगे और वो पार्ट में आपको रिप्लेस हो जाएंगे, जिससे आपकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती हो जाती है। अच्छा, अलग से रिपोर्ट रिप्लेस अलग से, पूरा सेट रिप्लेस नहीं होगा, पूरा सेट नहीं, अलग अलग पार्ट। तो जनरली बम्पर पूरा रिप्लेस करते थे ना, बस वही बात है सर। प्राउडली कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया है, 98% पार्ट्स इसके इंडियन है और 2% पार्ट जो है वो इंपोर्टेड है। जो 6 स्पीकर है इसमें ना, हाँ, ट्विटर पीछे नहीं है, उसकी जरूरत नहीं सर, आप साउंड सुनिए इसका, इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। मल्टी कोलिजन ब्रेक लगे हुए सर, एक इंपैक्ट के बाद इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा इसका, और चारों व्हील्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। एक इंपैक्ट के बाद दूसरा इंपैक्ट गाड़ी नहीं करेगी, मतलब वो कल्टी नहीं खाएगी, नहीं करेगी तब तक जब तक आप वापस इग्निशन ऑन नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस करना है, देखना है, चलो देख लो लेते हैं हम, दो पीछे डायरेक्टली तार लगाओ, शुरू हो जाओ। अच्छा, हम लोग ऑलरेडी वोक्सवैगन फैंस हैं, लेकिन चूंकि लग्जरी पोलो है गाड़ी है तो अभी अटक रहा था कि यार ले कि नहीं ले, चेंज करना। 13 में हमने लिया था पोलो, अभी भी रखे हुए हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग बहुत रहती है ना पोलो को ना। हाँ, वो तो ऐसे 6 साल की रस्ट प्रूफ गारंटी देते हैं। हाँ, कि अगर आप रस्ट देते हैं तो आपको फ्री देंगे। हाँ, हाँ। इसमें भी हम वो चैलेंज करते हैं, इसमें तो और एक लेवल और एडवांस है क्योंकि कोटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील है। और ऐसा क्या जो इसमें है और किसी में नहीं है? DSG गियरबॉक्स, जो कि किसी के पास नहीं है। 4 साल की वारंटी मिलेगी इसके साथ, 4 साल की 1,00,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलेगी, एक्सटेंड जिसे आप 6 साल 1,50,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करा सकते हैं। हम इतना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट के साथ। वो तो है, आप जब भी देखेंगे क्रेटा या किया का तो फ्लैट होता है, आपको ना लेंस है बनारस में तो पीछे लगाना पड़ेगा, रॉड भी कैसे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत संभाल लेगा, ये संभाल लेगा। वो सारी गाड़ियों में स्टीचे जाते हैं, अगर आप इसमें 25 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई आता है इसको पुलिस ठोकता है तो ये टूटेगा नहीं। योर ओपिनियन पहले क्लच का काम करेगा बस वो। हाँ, और सामने ही है बी, आपको धीरे पढ़ना शुरू हो गया। अब आप एक्सलेटर लो, जैसे आप ड्राइव करते हैं मैनुअल का। आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे नॉर्मल फील हो रहा है, कैसा मैं चलाता हूँ, डिफरेंस नहीं लग रहा उस तरह का, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, डिफरेंस मतलब दिक्कत नहीं हो रही है। हमको दिक्कत तो नहीं है, जगह नहीं है ना तुम्हारे पास? हाँ, अभी सीट पीछे करने के बाद भी थोड़ा स्पेस है। ये तो स्क्रैच है, अरे देखो चारों कितना विशाल, वाकई इसमें एक जगह नहीं है। वोक्सवैगन का इंतजार बहुत टाइम से था, 10 साल बाद ये नया लॉन्च हुआ है इसका। 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल से पोलो रेंटो से ही काम चला रहे थे लोग, कोई है कि नहीं पीछे? ये है पीछे। चलिए जबकि हमारे पास ऑप्शन था उसमें ब्लैक का, मुझे व्हाइट एकदम नहीं चाहिए क्योंकि हर कोई देख रहा है व्हाइट ही लेता है। चलो येलो ही ले लेंगे, थोड़ा सा सर, बस वो रेड वाली एक बार हम आपका देख ले, उसमें तो होगी ही लिंक में, नहीं तो हो सकता है कि तीनों देख के हम लोग कैंडी व्हाइट पे मे भी अग्री हो जाए कि कैंडी व्हाइट ही लेंगे। चलिए चलते हैं। वोक्सवैगन टाइगून की हमने टेस्ट ड्राइव भी ले ली और आपको पूरा शोरूम भी दिखा दिया और फुल लॉन्चिंग भी दिखा दी और मेरा उतरा हुआ लुक भी दिखा दिया। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई उस कार की स्क्रीन, जो डिजिटल डिस्प्ले उसका बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे, ये सब फीचर्स बहुत फैसिनेट करते हैं। 2015 में हमने ये होंडा सिटी ली थी, अच्छी गाड़ी है, लग्जरियस है, हमने इस पर्पज से ली थी कि हम लोग चूंकि ट्रैवल बहुत करते हैं तो हमारी लॉन्ग ड्राइव में ये कंफर्ट देगी, हमें थकान नहीं होगी। गाड़ी को यूज करते करते काफी टाइम हो गया है,
हाँ हम लोग यही बात है एक्चुअली, हम लोग बोर हो गए हैं। वैसे तो आपने गाड़ी देख ही ली है, फिर भी आप कहोगे कि कुछ फीचर्स बताओ जो आपको आइडिया लगा, तो अभी आपके लिए पेश करते हैं छोटा सा रिव्यू। तो मुझे इसमें चीजें कुछ ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि पहले तो जो हमने वो मॉडल ट्राई किया था वो हुंडई का चला हुआ है, लेकिन वो उतना मजा नहीं आया उसको फ्रंट टू ड्राइव नहीं जितना ये फ्रंट टू ड्राइव हमको लगा। इसमें नॉर्मल सनरूफ है, लेकिन सनरूफ हमारी इस गाड़ी में भी है जो 5 सालों में हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया है, कभी हवा बाहर से नहीं ली है, क्योंकि एक तो इंडिया में इतनी गर्मी रहती है और धूल उड़ती है कि आप खोलेंगे तो अंदर 1 किलो धूल ही आ जाएगी आपकी। तो बाकी फॉक्सवैगन का ब्रांड है, 6 एयरबैग्स हैं तो बेहतर रहेगा। मिला जुला के मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगा कि सेफ्टी और ड्राइवेबिलिटी में वो गाड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक एक नीड ऑफ पावर है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टाइम तक गाड़ियां चलाते हैं पैर हमारा क्लच पेडल पर दबाए दबाए थक जाता है, तो उसको भी थोड़ी राहत मिलेगी। अच्छा गाइज, अब मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। ये जो हमारी गाड़ी है जिसमें मैं हर बार, आपने कितने व्लॉग्स बनाए मैंने आपको दिखाया है, इस गाड़ी को सेल करके हम वोक्सवैगन लेना चाहते हैं। वोक्सवैगन के हम लोग ऑलरेडी बहुत बड़े फैन हैं, एक तो जर्मन कंपनी और दूसरा स्ट्रांग बहुत रहती है। अगर आप किसी भी कार में ट्रैवल करते हो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको चाहिए होता है वो होता है सेफ्टी, कि जब आप उसमें ट्रैवल करो आपकी कार आपके लिए सबसे सेफ फीचर होनी चाहिए, है ना। जब हमारी शादी हुई तो हमारी अलग अलग शादी हुई थी एक दूसरे से, हमारी एक साथ शादी हुई थी एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास वोक्सवैगन पोलो थी, हमारी पहली कार थी 2015 में। सेकंड कार हमारी थी ये होंडा सिटी, इसने हमारा काफी साथ दिया। चलिए अब घर की तरफ निकलते हैं। चलिए आज का व्लॉग कुछ अलग तरीके से एंड करते हैं इनके द्वारा। इट्स अ स्लो मोशन, बाय बाय, इट्स बाय बाय।